यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक लेटर इशू करा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को अंडर सैलरी हेड, तो एमयू को भी पर्टिकुलर, ये एमयू का नोटिस है। तो ये जो नोटिस दिया है पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दिया है, तो बजटी इस्टीमेट्स फॉर 2022-23 ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग टू बुक द एक्सपेंडिचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ अंडर सैलरी हेड। सर, दिस इज इन रेफरेंस टू द फाइनलाइजेशन ऑफ बजट इस्टीमेट्स फॉर 2022-23 ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाई द यूनिवर्सिटी। जितनी भी यूनिवर्सिटियों ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे इन दिस रिगार्ड, इट हैज़ बीन नोटेड डेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी 2010 से 2020 के बीच में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, भेजे थे वहाँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी हैज़ हेल्ड अप द 1231 MTS पोस्ट थ्रू इंटरनल मैकेनिज्म या कंपनसेटेड ग्राउंड वाई द वायलेटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस फॉर फिलिंग अप द पोस्ट एस पर अप्रूव CRR एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। फर्दर UGC इज रिपीटेडली रिक्वेस्टिंग द ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इंक्लूडिंग उसमें सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से एक रिक्वेस्ट करी थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, और इंक्लूडिंग AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टू हायर द सर्विसेज लाइक प्योन कोक, यानी जो इन्हें एज ए रेगुलर बेस पर आप ना रखें, इन्हें जो है हायर करें, सही है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इन्हें हायर कर लें, क्योंकि ऐसे रेगुलर करेंगे तो जो है गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो वही इनकी प्लानिंग है। प्योन कोक, स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड्स, माली एंड किचन अटेंडेंट्स वगैरह, बट इट सेम से डायरेक्ट, लेकिन AMU में क्या पाया गया, या और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैज़ नॉट कम्प्लीट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्टिल कंटेनिंग टू रिक्वेस्ट दीज पोजिशन ऑन रेगुलर बेसिस बाई वे ऑफ एडेप्टिंग द इरेगुलर प्रोसीजर विच कैन बी ट्रीटेड एज अ बैक डोर एंट्री बाई वायोलेटिंग द आर्टिकल 15। यानी जो ये प्रोसीजर है ये आर्टिकल 15 का वायोलेशन कर रहा है, और विच स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इन द केस ऑफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटक ओडिशा। ऐसो उमा देवी का केस है ये 2006 का, सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो सुनवाई हुई थी, देयर कैन नॉट बी रेगुलराइजेशन ऑफ एडहॉक या टेम्परेरी या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज अनलेस कोई भी एडहॉक या टेम्परेरी या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज नहीं हो सकता अनलेस सच पर्सन अपीयर्स इन द रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो कॉम्पिटेटिव, जब तक कॉम्पिटेटिव प्रोसीजर बींग कॉल्ड थ्रू न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ना हो, तब तक आप किसी को भी एडहॉक या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं रख सकते। इन व्यू ऑफ द अबव जो अबव चीज़ें प्रोसेस बताया गया है, इट इज़ रिक्वेस्टेड यूनिवर्सिटी में स्ट्रिक्टली, यानी स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन गाइडलाइंस डायरेक्टर CRR। यूनिवर्सिटी में नॉट अपेयर एनी ग्रुप सी, जो ग्रुप सी है सवाइल ग्रुप डी, अब जो है डी जो वो सी में मर्ज हो गया है, ऑन रेगुलर बेसिस एंड आउटसोर्सिस एस आउटसोर्सिस द सर्विस लाइक क्लीनिंग, हाउस कीपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी सर्विसेज और गार्डनिंग। तो यानी जो ग्रुप सी की है तो वो ज़्यादातर जो सी की रहेगी वो एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेगी, जिसकी वजह से यह गवर्नमेंट को एक रेगुलराइज उनका एम्प्लॉइज को ना करना पड़े। तो ये एक AMU को ही ये नोटिस इशू नहीं हुआ, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को है ये गवर्नमेंट उसी पर फोकस कर रही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी है उससे मोनिटाइज करती है, उसे देखती है, उसे फ़ंड देती है, तो उसी के थ्रू ये करवाया जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। AMU सेंट्रल यूनिवर्सिटी से फॉलो करती हैं या स्ट्रिक्टली इस पर थोड़ा सा अपनी अपोज करती हैं, अब देखते हैं सर। जितने भी यूनिवर्सिटी के आपके जो बॉडीज़ हैं और उनके जो
वाइस चांसलर हैं या आपस में क्या डिसीजन लेती हैं, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आप लोगों का क्या कहना है?